दोस्तों मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 29 नवंबर को मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मूवमेंट आएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लाते हैं, जैसे कि डेली व्यू, वीकली व्यू और टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो रहते हैं, वो देख के आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि 29 नवंबर को मार्केट कैसे रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग आज का मार्केट देखते हैं, जैसे कि निफ्टी जो है 50 पॉइंट प्लस है, सेंसेक्स जो है उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया 41,000 का, और बैंक निफ्टी है 247 पॉइंट पॉजिटिव है। तो मार्केट बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मूड में है। हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी का। तो पहले तो हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं फुल फेस में। तो देखें कि मैंने आपको निफ्टी के जैसे लेवल बताए थे एक पॉजिटिव कैंडल आने के बाद, और जैसे कल भी मैंने आपसे शेयर किया था कि ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहेगी ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये जो कैंडल बना था, जो हमने बना था कि सिग्निफिकेंट कैंडल है इस दिन, तो उसके ऊपर क्लोज दिया था कल, तो एक पॉजिटिविटी आने का ये ज़्यादा चांस लग रहा था और मेरा भी व्यू पॉजिटिव था। मार्केट ने वैसे बिहेव भी किया है। अभी आप देखोगे तो देखो, अपने सभी लेवल यहाँ पे प्रॉपरली मार्केट ने यहाँ पे टच किए हुए हैं। तो यहाँ पे मार्केट का जो पॉजिटिविटी है ये कंटिन्यू चल रहा है, और सेंसेक्स ने भी एक नया हाई बनाया, और यहाँ पे निफ्टी भी एक नया हाई के ऊपर क्लोज है। तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव है। लेकिन हमको कितना भी मार्केट पॉजिटिव लगे तो आपको एक लेवल के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। जैसा मैंने आपको कल भी जो लेवल दिए थे, तो मोस्टली आपने लेवल देखे कि अगर आप इंट्राडे में भी देखते हो निफ्टी में, तो देखो कि आपने मॉर्निंग से सभी लेवल प्रॉपर चले और लेवल पे ही ट्रेड हुआ। तो कल के लिए भी हम लोग कुछ इंट्राडे के लिए लेवल देखते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे अगर आप गैप देखोगे तो ऊपर का डायरेक्ट जो लेवल आता है, मैंने फिबोनाची से निकाला है, वो है 12,346। लेकिन मार्केट कल ही वो लेवल जाएगा ऐसा नहीं है। तो आज के जो लेवल आए, जैसे कि आज का हाई बनाया, जो वो अपने अपने लिए कल एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो कल आपको ये जो लेवल्स है 12,158 यहाँ पे, इसके ऊपर आपको यहाँ पे निफ्टी में बाय करना है। शॉर्ट के लिए जो अपना ये लेवल है 12,138, इसके नीचे अगर जाता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। आज का जो कैंडल बना है उससे भी मुझे और भी मार्केट में पॉजिटिविटी लगती है। फिर भी जहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर जो भी मेरे लेवल दिख रहे वो लेवल के ऊपर अगर आपको ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट अगर पॉजिटिव भी लगता है तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग होती है या मार्केट अप डाउन होता है, तो लेवल पे आपको बाइंग सेलिंग करनी है, तो ये लेवल एकदम परफेक्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो देखिए, बैंक निफ्टी का जो लेवल थे, मैंने ऑल टाइम हाई चल रहा है यहाँ पे, अगर आप पीछे देखोगे तो ये भी ऑल टाइम हाई चल रहा है। तो ऊपर वाले लेवल जो है मैंने फिबोनाची से ड्रॉ किए थे। तो यहाँ पे जैसा कि मेरा 138 जो लेवल था, 31,985 ये लेवल देखिए, या उसके नीचे वाला भी जो था, ये अपना प्राइस एक्शन वाला लेवल है 31,912। लेकिन ये मैं आपको इंट्राडे में भी दिखाता हूँ कि कितने अच्छे चले। तो यहाँ पे जो है 31,985 ये लेवल देखिए, तो यहाँ पे देखो मैंने फिबोनाची से निकाला है, लेकिन यहाँ पे देखो प्रॉपरली सपोर्ट लेके, अगर आप यहाँ पे देखते हो ऊपर जाने के बाद यहाँ पे प्रॉपरली सस्टेन होता है और उसके बाद ऊपर जाता है। तो देखिए कि लेवल एकदम प्रॉपर चलते हैं, टेक्निकल के ऊपर आपको वैसा ट्रेड करना आना चाहिए। नेक्स्ट लेवल के लिए हम लोग फिर से डेली में जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो लेवल है बैंक निफ्टी का, ये नजदीक है, फिर भी एक रेजिस्टेंस आएगा। जो आज का जो हाई बना है वो है 32,153। कल इसके ऊपर आप जाएगा तो आप बाय कर सकते हो, 32,266 का एक टारगेट आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंस लेवल रहेगा, आप कल के लिए ये याद रखो। अगर 32,266 जाता है तो ये फिबोनाची का 161 लेवल आ रहा है। शॉर्टिंग के लिए जो है कि 31,985 के नीचे ही आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। बैंक निफ्टी जो है कि मुझे यहाँ पे निफ्टी से भी थोड़ा और ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टॉक में। तो हम लोग रिलायंस का जो लेवल देखते हैं कि रिलायंस ने भी एक ऊपर वाला लेवल थोड़ा ब्रेक किया है। यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था, बट एटलीस्ट ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो हम लोग कल भी इसमें पॉजिटिव का ट्रेड देख सकते हैं। 1584 के ऊपर अगर जाता है तो इसमें आप बाइंग कर सकते हो। शॉर्ट के लिए 1576 के नीचे से शॉर्ट कर सकते हो।
और दोस्तों कल कुछ हमने स्टॉक देखे थे उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि एस बैंक का मैंने आपको जो बाइंग रेट बताया था, एस बैंक ने अच्छा यहाँ पे बाइंग दिया और अच्छा इसमें ट्रेड हो गया। L&T फाइनेंस का मैंने बताया था कि जो डाउन साइड में हेड एंड शोल्डर आया था तो मैंने डिलीवरी में भी दिया था और इंट्राडे के लिए भी ये स्टॉक दिया था, तो बहुत ही अच्छा इसमें मोमेंटम हो गया। नेक्स्ट इसका जो टारगेट रहेगा अभी 117 का रहेगा, 117 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो भी आप इसमें और फिर से बाय कर सकते हो। और नजदीक में इसका देखिए एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो ये ब्रेकआउट होके अगर सस्टेन होता है तो और भी अच्छा रहेगा। ये स्टॉक जो है कि ये अभी बॉटम आउट हो रहा है, बहुत गिरने के बाद बॉटम आउट हो रहा है और बॉटम आउट की एक चार्ट पैटर्न के साथ हो रहा है, वो बहुत अच्छा है। तो ऐसे भी हमको अगर हम स्टॉक ढूंढते हैं और प्रॉपर उसमें टेक्निकल मिलता है तो ऐसे रिटर्न मिलते हैं, जैसे कि आज 6% इसमें मिल गया। नेक्स्ट जैसे कि हमने डीमार्ट देखा था, तो डीमार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम हुआ था लेकिन ज्यादा नहीं हुआ, और ग्रेफाइड, तो ग्रेफाइड में मूवमेंट हुआ ही नहीं। तो बहुत सारे जो हमने स्टॉक देखे थे, ऐसा नहीं कि सब चलने चाहिए, उसमें से खूब चले, बहुत जो चले बहुत अच्छे चले, जो नहीं चले तो उसमें आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा बाइंग का, जो कि स्टॉक ऊपर जाने के बाद वो सस्टेन होता है वो वाला मोमेंटम नहीं मिलेगा। कल के लिए भी हम लोग कुछ स्टॉक देखेंगे इंट्राडे के लिए, तो मैं पहला देखता हूँ जैसे कि इंडसइंड बैंक। तो जैसे कि बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मोमेंटम कर रहा था और बहुत कोई कोई स्टॉक जो है कि बैंकिंग स्टॉक है वो जो आज मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे, उसमें से इंडस बैंक ने अपना जो एक रेजिस्टेंस था, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम था, सेकंड टाइम था, तो आज थर्ड टाइम में उसने ब्रेक किया है, तो ये टेक्निकली बहुत ही साउंड ब्रेकआउट है। तो कल भी आप इंडस बैंक में देख सकते हो जो कि आज का जो उसने हाई बनाया था उसके ऊपर बाइंग करने के लिए वो लेवल है 1576 के ऊपर, उसमें आप बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है जो हम लोग देखेंगे ICICI बैंक। तो ICICI बैंक में भी देखें कि जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर है और जो एक रेसिस्टेंस था यहाँ पे एक कैंडल का जो सेल ऑफ था उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ है, तो ये बहुत पॉजिटिव है और कल भी ये कंटिन्यूशन कर सकता है पॉजिटिवली। तो आप कल ICICI बैंक में 520 के ऊपर एक बाइंग के लिए देख सकते हो। नेक्स्ट जो है कि यूनियन बैंक। तो बैंकिंग स्टॉक सभी अच्छे थे, BOC बैंक भी बहुत अच्छे चले, इसलिए मैंने यूनियन बैंक का यहाँ पे स्टॉक लिया है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक जो है कि एक हेड एंड शोल्डर टाइप भी बन रहा है और एक कंसोलिडेशन जो डाउन साइड से कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ये छोटा स्टॉक है लेकिन एक जो है कि इसमें एक फॉर्मेशन अच्छा बन रहा है, साथ ही साथ ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो सकता है। तो कल भी आप 65.45 के ऊपर अगर इसमें बाइंग करते हैं कल के इंट्राडे के लिए तो वो भी एक अच्छा है। नेक्स्ट हम देखेंगे JSW स्टील। तो JSW स्टील में देखें कि लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पे दिया था, उस टाइम वो इंट्राडे में वर्क नहीं हुआ लेकिन आज एक लेवल ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन है, तो आप इसमें और हाई ऑफ द डे के आसपास क्लोज हुआ है, तो आप इसमें 265 के ऊपर यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड देख सकते हो। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा फॉर्मेशन किया, तो ये जो फॉर्मेशन है अगर आप देखो तो एक क्लियर कट जो एक हेड एंड शोल्डर एकदम क्लियर दिख रहा है इसमें, और ये हाई ऑफ द डे ऊपर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे कल भी आप 10687 के ऊपर अगर इसमें बाय करते हो आपको इंट्राडे का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो दोस्तों इतने स्टॉक है जो मैंने आपके साथ कवर किए, तो इन स्टॉक में आपको अगर ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप इसमें स्टॉक में ट्रेड कीजिए, और ऐसे टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना है मेरे साथ आके तो आप मेरे साथ आके सीख सकते हो INA ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट में मुंबई थाने में, उसके डिटेल मैं यहाँ पे आपको शेयर करता हूँ। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।